फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर आंद्रास को। जब आंद्रास एक छोटा बच्चा था तभी उसके डैड की डेथ हो गई थी, इसलिए बचपन से ही उसे उसकी मॉम ने बड़ा किया है और इसी वजह से आंद्रास हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था। जब आंद्रास थोड़ा बड़ा हुआ तब उसके देश में लड़ाई चल रही थी और तब छोटे बच्चों को भी आर्मी में लिया जाता था और आंद्रास भी उन्हीं लड़कों में से एक था। तब आंद्रास बचपन में अपने कमांडर की वाइफ को नहाते हुए देखने जाता था, पर एक बार वो पकड़ा भी गया था। तब कमांडर की वाइफ ने उसे कुछ भी नहीं किया और बस उसे किस करके वहाँ से जाने के लिए कहा और उसी टाइम से आंद्रास को अपने से बड़ी लड़कियाँ पसंद आने लगी। कुछ साल बाद जब आंद्रास 15-16 साल का हुआ तब बहुत सी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ी रहती थी, पर आंद्रास को इनमें से किसी भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 16 साल का होने के बाद आंद्रास एक छोटे शहर में जाकर एक बिजनेसमैन के साथ काम करना शुरू करता है। इसके अलावा आंद्रास उस बिजनेसमैन की वाइफ मिसेस रोजेट से भी अट्रैक्टेड फील करता है। आंद्रास मिसेस रोजेट के साथ उनके ही घर पर रहता था, इसलिए वो लोग एक दूसरे से हर रोज मिलते रहते थे और बैठकर बातें करते हैं। आंद्रास की एक गर्लफ्रेंड भी होती है और आंद्रास उसे डेट पर भी लेकर जाता है, पर वो लड़की कभी भी आंद्रास को अपने साथ इंटीमेट ही नहीं होने देती और आंद्रास इससे थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी वर्जिनिटी लूज करना होता है। एक दिन जब आंद्रास घर वापस जाता है तब मिसेस रोजेट अकेली होती है। आंद्रास उससे पूछता है कि वो लड़कियों को समझ नहीं पाता, आखिर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट क्यों नहीं होना चाहती। तब मिसेस रोजेट उसे कहती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, शायद वो लड़कियां तुमसे थोड़ा शर्माती है। ये बातें कहते हुए मिसेस रोजेट आंद्रास को एक अलग नजर से देखने लग जाती है। एक दिन आंद्रास की गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है और आंद्रास अपनी गर्लफ्रेंड को एक गाउन भी गिफ्ट करता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड वो गाउन पहनकर आती है तब आंद्रास उस गाउन को अपने हाथों से उतार देता है। इसके बाद वो दोनों बेड में चले जाते हैं और आंद्रास की गर्लफ्रेंड उसे परमिशन दे देती है कि वो उसके साथ सब कुछ कर सकता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पर कुछ ही सेकंड बाद वो लड़की उसे रुकने कहती है क्योंकि उसे दर्द होता है, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद वो गुस्सा होकर मिसेस रोजेट के पास वापस जाता है। तब उसका हस्बैंड बाहर गया होता है। वो मिसेस रोजेट को बताता है कि वो बहुत दुखी है। तब वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। मिसेस रोजेट उसे बताती है कि उसका हस्बैंड हमेशा घर से बाहर होता है और उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता। यहाँ घर पर वो बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। तब आंद्रास भी उसे बताता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ टाइम नहीं बिताती है और उसके साथ सोना भी नहीं चाहती है। तब मिसेस रोजेट कहती है कि हम दोनों के पास ही मदद करने वाला कोई भी नहीं है, तो चलो हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर देते हैं। इसके बाद मिसेस रोजेट उसे अपने बेड पर लेकर जाती है और उसके कपड़े उतारती है और फिर वो दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन भी आंद्रास और मिसेस रोजेट एक साथ इंटीमेट होते हैं और उनका ये अफेयर ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मिसेस रोजेट की दोस्त भी वहाँ पर आती है जिसे मिसेस रोजेट और आंद्रास के अफेयर के बारे में पता होता है। अब क्योंकि मिसेस रोजेट उस दिन घर पर नहीं होती इसीलिए उनकी दोस्त भी आंद्रास के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। उसी वक्त मिसेस रोजेट वहाँ पर आती है और उन दोनों को देख लेती है। तब मिसेस रोजेट की दोस्त वहाँ से शर्माकर चली जाती है और फिर बाद में मिसेस रोजेट आंद्रास से कहती है कि उनका ये अफेयर अब यहीं पर ख़त्म होता है। दुखी होकर आंद्रास एक बार में ड्रिंक करने चला जाता है। वहाँ पर केट नाम की एक लड़की आंद्रास को देखती है और आंद्रास को देखकर वो उस पर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाती है और सीधे सीधे उससे कह देती है कि उसे आंद्रास के साथ इंटीमेट होना है। केट उसे अपने घर पर लेकर जाती है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं। आंद्रास अब 18 साल का हो जाता है। आंद्रास को अब भी अपने से बड़ी लड़कियों में ही इंटरेस्ट होता है और वो एक लड़की को पटाने की भी कोशिश करता है, पर उसका प्लान फेल हो जाता है। वो लड़की उसे भाव नहीं देती। तभी वहाँ पर बैठी एक दूसरी औरत उसे देख लेती है और आंद्रास से बातें करती है। तब आंद्रास उस पर भी लाइन मारता है। इस औरत का नाम होता है पौला। पौला एक फ्रेंच औरत होती है। पौला और आंद्रास एक दूसरे से बातें करते हैं और उन दोनों में भी जल्द ही दोस्ती हो जाती है। पौला आंद्रास को अपने साथ अपने घर में खाना खाने लेकर जाती है। पौला उसे बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है। ये सुनकर आंद्रास थोड़ा दुखी हो जाता है, पर तभी पौला उसे ये भी कहती है कि उसका डिवोर्स होने वाला है, उसका पति बहुत बुरा इंसान है। ये सुनकर आंद्रास बड़ा खुश हो जाता है कि अब उसे पौला को पटाने का भी मौका मिल जाएगा। पौला उसे घर के अंदर लेकर जाती है और आंद्रास अंदर में उसे किस करने की कोशिश करता है। पौला उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सही औरत नहीं हूँ, इसलिए हम दोनों बस एक कैजुअल रिलेशनशिप रखेंगे, कुछ भी सीरियस नहीं करेंगे। तब आंद्रास उसकी बातें समझ लेता है और फिर से उसे किस करता है, पर इस बार पौला उसे कुछ भी नहीं कहती है और बस खुद भी उसका साथ देती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जब से पौला अपने हस्बैंड से अलग हुई होती है उसने किसी के साथ भी नहीं किया होता है और डिवोर्स के बाद आंद्रास उसका पहला लवर बन जाता है और वो दोनों कुछ टाइम तक एक ही साथ रहते हैं और इंटीमेट होकर एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, पर आंद्रास उसे पसंद भी करने लगता है।
फिर कुछ हफ्तों के बाद पॉला किसी काम से बाहर चली जाती है, तब आंद्रास अकेला पड़ जाता है, इसलिए वो और नए लोगों से दोस्ती करने के लिए पार्टी में घूमने जाता है। आंद्रास जब अपने नए दोस्तों की पार्टी में जाता है, वहां जाकर भी वो सिर्फ अपने ऐसे बड़ी लड़कियों के साथ ही फ्लर्ट करता है, यहाँ तक कि वो एक लड़की के साथ अपनी सेटिंग भी जमा लेता है, पर वो लड़की उस दिन करने के मूड में नहीं होती, इसलिए आंद्रास को उसके साथ करने का मौका ही नहीं मिलता। इसके कुछ महीनों बाद पॉला वापस आ जाती है, तब आंद्रास देखता है कि वो सोई हुई होती है, तभी वो पॉला को किस करके जगाता है, पर पॉला उसे बताती है कि उसे अब ये देश छोड़कर जाना होगा और उनके बीच अब तक जो कुछ भी हुआ है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तब आंद्रास उसे गुड बाय करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन पॉला उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद कुछ टाइम और बीत जाता है और आंद्रास एक टीचर बन जाता है। यहाँ पर आंद्रास मिलता है उसी औरत से जिसके साथ वो पार्टी में मिला था, पर उसके साथ वो कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि उस लड़की का उस टाइम मूड नहीं था। वो लड़की आंद्रास को अपने साथ अपने होटल रूम में लेकर जाती है क्योंकि वो पूरे मूड में होती है, और इस बार वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अपना काम पूरा होने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, और वहाँ से जाते वक्त आंद्रास एक दूसरी औरत से मिलता है और उसके साथ भी फ्लर्ट करना शुरू करता है, और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।